hello everyone today we will study history chapter 19 india and the outside world we will do question answer of this chapter first of all we do uh, short question answer of this chapter part a part a is tick the correct option question number 1 who invented the paper first so right answer is D. China. D is the right answer. Then question number two. Where can we still see the impact of Hindu's culture in Southeast Asia? Right answer is A. Bali. Bali is the right answer. Question number three. The Das brought gold from the west into our country right answer is c romans roman is the right answer question number 4 the main factor responsible for creating our contact with different part of asia was right answer is d buddhism बुद्धिज्म इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव बुद्धिज्म स्प्रेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जली ड्यू टू द ऑफ़ किंग राइट आंसर इज बी अशोका अशोका इज द राइट आंसर क्योंकि आपने चैप्टर में पढ़ा है ना अशोका ने अपने बेटे और आ, बेटी दोनों को ये धर्म के बुद्धिज्म धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग कंट्री में भेजा था तो इस तरह से उन्होंने सबसे मेन जो है आ, सोका नहीं इस धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग कंट्री में भेजा और वहाँ से लोग आ, हमारे कंट्री में आए और इस तरह से सारे कंट्री के साथ हमारा कांटेक्ट हो पाया क्वेश्चन पार्ट बी Part B is the fill in the blanks. Question number one. The Harappan culture is about death year old. Answer is 5,000 years old. Question number two. India's trade with the West was through Arab Arabs. Okay, right answer is Arabs. नंबर थ्री कुची वॉज अनादर सेंटर ऑफ डैश आंसर इज इंडियन कल्चर नंबर फोर द चाइनीज ट्रेवलर आइस्टीन कैम्प टू इंडिया टू डैश बुद्धिज्म मैच द फॉलोइंग नंबर वन क्लीनिंग राइट आंसर इज आंसर इज इंडिया वेयर एक्सपर्ट इन कॉटन ग्रोइंग विच द चाइनीज लर्न फ्रॉम इंडिया इंडियन जो थे कॉटन ग्रोन uh, करने में एक्सपर्ट थे तो पहले जैसे जो होता आ रहा था कि uh, इंडिया से अदर कंट्री यहाँ के कुछ सीखते थे और यहाँ के जो लोग थे वो अदर कंट्री में जाके वहाँ से जो स्पेशलिस्ट वहाँ का जो होता था उससे सीखते थे और लेन देन भी करते थे तो चाइनीज़ जो थे वो कॉटन ग्रोइंग वो इंडिया से सीखे थे क्वेश्चन नंबर टू हु फाउंडेड द सिटी ऑफ यशोदपुर इन कम्बोज़ आंसर इज यशो वर्मा फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ़ यशोदपुर इन कम्बोज़ question number 3 why was roman historian pliny against having trade relation with india so right answer is roman historian pliny against having trade relation with india because he wanted to stop the drain of roman wealth to india दिस फॉम बिग अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द वेस्ट इन टू आर कंट्री चैप्टर में आपने पढ़ा है ना कि वी आर एक्सपोर्टिंग कॉटन टेक्सटाइल सिल्क स्पाइसिस वॉस्फेयर हैंड हैंडक्राफ्ट ये सब हम लोग क्या करते थे एक्सपोर्ट करते थे और जब एक्सपोर्ट करते थे तो बदले में वो वेस्टर्न जो थे वो क्या करते थे कि गोल्ड अमाउंट पे करते थे ठीक है वो जो थे वो गोल्ड अमाउंट पे करते थे रोमन और इस तरह से लेन देन हो होता था तो जो हिस्टोरियन जो प्लानी थे वो जो थे इसके अगेंस्ट थे क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि इस तरह से यदि हम पूरा अपने कंट्री का जितने भी गोल्ड हैं वो हम अदर कंट्री में इंडिया को देते जाएंगे तो हमारा ये वेल्थ well, जो है वो लॉस होगा हमारा तो इसलिए वो इसके अगेंस्ट थे कि ट्रेड रिलेशन ना हो ओके तो इसका राइट right आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड बुद्धिज्म रिच द वेस्टर्न कंट्रीज आंसर इज मिशनरीज वी आर सेंट टू मेनी वेस्टर्न कंट्रीज बाय असोग टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म दिस वे बुद्धिज्म रिच द वेस्टर्न कंट्रीज क्वेश्चन नंबर फाइव mention any two main features of the stupa at barabudur in java. answer is the two main features of the stupa of, at barabudur in java are number one, a magnificent stupa at barabudur. ज बीन ब्यूल्ट ऑन अ टॉप हिल ये जो था वो हिल के पहाड़ी के बहुत ऊँचाई पर बना हुआ था पहली बात थी नंबर टू नीरली फिफ्टीन हंड्रेड बुद्धिस्ट पेंटिंग ऑन इट्स कॉरिडोर देर आर ऑल्सो मेनी सेव टेम्पल जो फिफ्टीन हंड्रेड बुद्धिज्म जो थे बुद्धिस्ट जो थे वो पेंटिंग और इसके कॉरिडोर में किए थे और सबसे मेन कि यहाँ पर इसी जगह पे बहुत सारे शिव टेंपल भी थे नर पार्ट डी क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग